हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल डेली लाइफ ऑनलाइन गाइड में। मैं जी अवला आज आप लोगों को गाइड करूंगा। हम स्मार्टफोन हर कोई यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, किसी किसी को हिंदी पढ़ना नहीं आता है, हिंदी लिखना नहीं आता है, हिंदी बोलना आता है। तो चैट तो हम हर कोई करते हैं, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हर कोई चैट करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपको हिंदी लिखना नहीं आता है या पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश लिखना नहीं आता है या पढ़ना नहीं आता है, या कोई सा भी लैंग्वेज हो, दुनिया में जितना भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में अगर किसी भी भाषा में अगर आप चैट करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर किसी को पढ़ना भी नहीं आता है, सिर्फ बोलना आता है, वो भी बहुत आराम से किसी के साथ भी चैट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कैसे होगा, तो चलिए मैं आज आपको पूरा गाइड करता हूँ कि अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो भी आपको अगर चैट करना है किसी के साथ तो आप कैसे करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, या किसी भी लैंग्वेज में अगर आपका चैट करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत मज़ेदार बनने वाला है और ये आपके लिए बहुत ही, अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो अगर आप लिखने में आपको टाइम लगेगा तो भी आप बहुत जल्दी जल्दी कैसे उसको बोल के उसको लिख पाएंगे, तो वो मैं आपको गाइड करूँगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर लेंथी कुछ चीज़ हमें लिखना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है लिखने में। तो आपके लिए भी ये फायदा है, क्योंकि आपको बोलना तो आता है लेकिन लिखने में आपको टाइम लगता है। तो यह वीडियो आपके लिए भी बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप किसी से भी चैट कर रहे हैं, आपको इंग्लिश इतना अच्छा लिखना नहीं आता है या आपको टाइम लगता है लिखने में तो उसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए साफ साफ मैं दिखाता हूँ। अगर मैं सबसे पहले तो इंग्लिश में दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं एक गूगल बोर्ड है, इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये देखिए, अब जो दो आपको वॉइस का ऑप्शन दिखा रहा है, पहला वॉइस तो आप जानते ही हैं कि इसमें से रिकॉर्ड करके आप भेजेंगे। अब आपको करना क्या है, नीचे वाला ये लेना है। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं जो मैंने बोला ये उसने लिख के दिया। तो मैंने इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में लिख के दिया। अभी मैं हिंदी में दिखाता हूँ आपको, इसमें हिंदी चेंज कर लीजिए। शुक्रिया दोस्तों मेरे चैनल में बने रहने के लिए। तो अब देख पा रहे हैं कि मैंने हिंदी में जो बोला वो हिंदी में लिख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बंगाली में। धन्यवाद बंधुरा, आशा करछि सबाई भालो आछेन। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं तीन लैंग्वेज में मैंने लिख के दिया, जबकि मुझे हिंदी लिखना आता ही नहीं है, मैं बंगाली हूँ, बंगाली लिखना आता है, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर चाहे इससे भी ज़्यादा कोई भी लैंग्वेज से आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, चाहे चाइनीज़ हो, कुछ भी हो। तो ये अगर आपको ऑप्शन दिखाया कि आपका जल्दी जल्दी से आपको अगर टाइप करना है तो कैसे करेंगे। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है, ये मैंने आपको तीन ही लैंग्वेज दिखाया, इसके अलावा भी मैं सेटिंग वगैरह आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे सेटिंग करना है, लैंग्वेज कैसे ऐड करना है, कैसे चेंज करना है। जैसे मैं ये अब देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना भर क्लिक करूंगा वो अलग अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा। तो अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो भी यहाँ से टाइप करेंगे। अभी देखिए जो भी मैं टाइप करूँगा वो हिंदी में आएगा। तो ये हो गया हिंदी। अब अगर आप चाहते हैं बंगाली में लिखना, ये हो गया बंगाली। अब अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये हो गया आपका इंग्लिश। तो यहाँ पे आप लिख पा रहे हैं और उसके साथ साथ आपको लिखना अगर नहीं आता है तो यहाँ से बोल के आप पूरा उसको लिख के भेज सकते हैं। क्योंकि आप लोग पहले जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसमें ऑडियो जाता है, वहाँ पे जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं वो उसको डाउनलोड करेगा फिर सुनेगा, उसमें जो तो टाइम लगता है और नेट का भी बहुत अगर दिक्कत है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं
और एक तरीका दिखाता हूँ। चलिए, आपको इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता है, लेकिन आपको हिंदी में लिखना है। जैसे मैं दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल में जो मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैं उसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी इतना अच्छा से लिखना नहीं आता है। तो दोस्तों, ये गया आपका लिखने का तरीका। अब क्या है कि आपको इंग्लिश लिखना आता है, हिंदी लिखना नहीं आता है, जैसे मेरे साथ होता है। मैं भी जो भी यहाँ पे हिंदी लिखता हूँ, मैं यहाँ से ट्रांसलेट करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक ट्रांसलेट का ऑप्शन है, जिसमें आप लेफ्ट साइड में अगर इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में हिंदी, तो इंग्लिश आप जो भी लिखेंगे तो वो हिंदी में कर देगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा आई एम गुड, यहाँ पे वो हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया मैं अच्छा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको इंग्लिश लिखना आता है, हिंदी नहीं आता है, यहाँ पे या तो आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, यहाँ पे आप देख पड़े कि कोई सा भी आप लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। आपको हिंदी आती है, बंगाली आती है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं कि हिंदी में, तो यहाँ पे बंगाली में लिखिए। मैंने बंगाली में लिखा, शायद आप लोगों को बंगाली नहीं आती होगी, तो बंधु लिखा मैंने, तो उसमें मित्र लिख दिया। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है, अगर सामने वाले पर्सन को हिंदी नहीं आता है, या इंग्लिश नहीं आता है, बंगाली नहीं आता है, कुछ भी लैंग्वेज नहीं आता है, उसको जो लैंग्वेज आते हैं आप उसी के भाषा में उसके साथ चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फीचर बहुत ही अच्छा है, इसको आप अपने मोबाइल में कैसे करेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गूगल का जो कीबोर्ड है वो मैंने सिलेक्ट किया है। ये सबसे पहले देख रहा है कि गूगल इंग्लिश जो है, ये आपका तीनों लैंग्वेज का दिखा रहा है। ये आपको लैंग्वेज सेटिंग से भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज ऐड करना है। मैंने तीन लिया, बंगला लिया, हिंदी लिया, इंग्लिश लिया। इसके अलावा अगर चाइनीज़ वगैरह कुछ भी आपको लेना है तो यहाँ से उसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड में आएंगे, ये देखिए, तो बहुत सारा लैंग्वेज है दुनिया में, जितना भी लैंग्वेज है यूज होता है सारा है। आपको अरबिक चाहिए या कोई सा भी चाहिए, तमिल, तेलुगु, कुछ भी आपको लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि आपका कोई साउथ का कोई फ्रेंड है, उसको हिंदी नहीं आते होगी, तो वो आप तमिल सिलेक्ट करके उसको तमिल में लिख सकते हैं, या मुंबई महाराष्ट्र का किसी का है मराठी लिखना है तो मराठी सिलेक्ट करके उसके साथ आप मराठी में बात कर सकते हैं। उर्दू किसी को आते हैं उर्दू में, असमिया असमिया है तो मराठी, कुछ भी आपका लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन है नहीं कि बस एक या दो। तो ऐसे अगर आपका सामने वाला दोस्त जो है वो आपको हिंदी में बात नहीं कर पाते हैं, तो उसके साथ अगर आपको बात करना है, या दोस्तों अगर आप में से कोई सा भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टाइप करने में दिक्कत होते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एजुकेटेड है लेकिन कीबोर्ड में उसको टाइप करने में टाइम लगता है, तो इस फीचर का यूज़ करके बहुत जल्दी जल्दी उनको टाइप कर पाएंगे और चैट कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारा ऐसे लोग होता है, ग्रेजुएट है लेकिन क्या है, वो व्हाट्सएप में मैसेज को बस रीड करते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी ये फीचर बहुत अच्छा है। क्योंकि उनके साथ भी ऐसा होता है कि टाइप करने में दिक्कत होता है या स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, तो कोई झंझट है नहीं, बस इस बटन को यूज करके आप उसको फ्लुएंटली कर सकते। अगर आपको स्टिकर वगैरह भी चाहिए, वो भी आपको यहाँ से बहुत डिफरेंट टाइप का मिल जाएगा। और दोस्तों, और एक चीज़ जो है यहाँ पे सेटिंग में मैं दिखा दूँ, यहाँ से सारा चीज़ है, आपको स्टिकर जो भी आपको स्टिकर चाहिए। तो यहाँ पे जो और एक चीज़ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा बेटा का फ़ोटो है, इसको भी अगर आपको चेंज कर मतलब ऐड करना है तो भी यहाँ से सेटिंग में जाके आप वो कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको लिया, अगर आपको चेंज करना है यहाँ से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड से जाके जो भी आपका इमेज है वो यहाँ से ऐड करके इस कीबोर्ड के बैकग्राउंड में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो गया इस कीबोर्ड के बारे में, अगर इसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे या कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इसको ऐड करने के लिए ज़्यादा झंझट है नहीं। सिंपल से आपके पास प्ले स्टोर होता ही है, प्ले स्टोर में आइए और इसमें सर्च कीजिए जी बोर्ड, ये देख पा रहे हैं, ये देखिए अपडेट मांग रहा है, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो आपको अगर लिंक चाहिए तो ये लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिलेगा, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बहुत ही अच्छा ट्रिक। इसके अलावा भी अभी आपका जो और एक फीचर है इसमें, कि अगर आप यहाँ पे
देख पा रहे हैं कि अब थीम क्या क्या चेंज करना है। अगर एक हाथ में आपको लिखना है तो अगर इस टाइप का बहुत सारा फीचर है इसमें जो आप अगर यूज़ करने लगेंगे तो ये आप जल्दी से सीख जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सबसे अच्छा फीचर है कि आप जो भी बोलेंगे वो लिख के दे देगा। और दूसरा फीचर है आप हिंदी में बोलेंगे वो इंग्लिश में कर देगा, इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी में कर देगा या तमिल में कर देगा, कहीं भी कुछ भी आप लैंग्वेज चाइनीज़ में चाहिए तो आप चाइनीज़ में भी उसको ट्रांसलेट करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपका पास ऑप्शन है, आप किसी के साथ भी किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बहुत फास्ट काम है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरे को हिंदी लिखना आता नहीं है तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।